क्या गजब पति है, क्या गजब परिवार है। शिवराज जी, तुम्हारी भांजियों का इस प्रदेश में बुरा हाल है। यह बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि इस दरिंदे पिता ने अपनी 4 दिन की बच्ची और अपनी पत्नी को और साथ में एक 4 साल की बेटी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए इस वजह से छोड़ दिया कि उसकी पत्नी के यहाँ दूसरी संतान लड़की हुई थी। पहली लड़की के बाद दूसरी लड़की होना पिता को इतना नागवार गुजरा कि हॉस्पिटल से घर ले जाते वक्त वह MP के अशोक नगर स्टेशन पर अपनी 4 साल की बिटिया और 4 दिन की मासूम बिटिया के साथ अपनी पत्नी को बेजान हालत में स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। यह दर्द भरी कहानी सागर जिले और अशोक नगर जिले से जुड़ी है, जहां मनीषा ने अशोक नगर के हॉस्पिटल में दूसरी बिटिया को जन्म दिया तो उसका पति दिनेश उसे घर ले जाने की बात कहकर अशोक नगर स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। बच्ची के पिता छोड़ के चले गए, 2 दिन की बच्ची स्टेशन पे छोड़ के चले गए। बच्ची नहीं चाहने पर लड़का चाहने पर हम ये चाहते हैं कि हमारे पति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनके घर वालों को मिलनी चाहिए। कितनी बच्चियां हैं आपकी? 2 बच्चियां हैं। तो ये बच्ची अभी कितने दिन की? 3 दिन। हाँ, परेशान करते हैं, दहेज मांगते थे और मारपीट भी करते थे। अच्छा, तो पहले आपने कहीं शिकायत करी थी? नहीं करी। ठीक है, अभी हम जी चाह रहे हैं कि सजा मिले। हमारी बच्ची पति छोड़ के चले गए स्टेशन पे, 2 दिन की बच्ची है, बच्ची हुई है, लड़का चाहने तो लड़की नहीं चाहने। जैसे तैसे सागर जिले के बीना तहसील के नेवली गांव में रहने वाले उनके माँ बाप अपनी बेटी को बीना लाए और फिर आज सागर के महिला थाना में मनीषा और उनके घर वालों ने ईसागढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले अपने पति दिनेश प्रजापति, ससुर और जेठ जेठानी का खिलाफ दहेज के साथ इस अमानवीय घटना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बीना के पास आपकी बेटी को आपके दामाद छोड़ के चले गए। हाँ। तो आपको सूचना कैसे मिली थी? हम कल आए थे। कल आए थे? हाँ। तो आप बेटी को लेकर जा रहे हो वहाँ से? अब जब भी कहे हम नीलवा जा रहे हैं तो हम उनके घर कहाँ रखे थे जा बता। कुछ कभी आपसे पैसे वैसे देने के लिए परेशान करते थे क्या? कोई थाने वाले में शिकायत नहीं करी आपने? मामा शिवराज जी के साथ यह जमाना इन तस्वीरों को देख ले, क्या दूसरी बेटी के जन्म लेते ही ऐसी सजा दी जाती है? अगर यही परिवारों के दस्तूर है तो ऐसे मामलों पर कठोर कानून बनना चाहिए, नहीं तो बिटियां, भांजी, मामा जी इस जमाने में अभिशाप बन जाएंगी। तमाम लोगों से यही अपील है कि इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए आप आवाज बुलंद करें। मनीषा की एक बेटी 4 साल की है और एक बेटी 4 दिन की, उसे न्याय मिलना चाहिए। आप अपनी आवाज बुलंद करें, न्याय जरूर मिलना चाहिए और इस दरिंदे परिवार को बराबर सजा मिलनी चाहिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी सुरक्षा के लिए तमाम नियम और कानून बने हैं जो इन तस्वीरों को देखकर बेमानी से लगते हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट।